मैथमेटिकल लॉजिक सबसे पहले स्टेटमेंट क्या है ना मैं कुछ थ्योरी भी भी एकदम ब्रीफ कर दूंगा क्योंकि ये चीजें आपको ऑब्जेक्टिव्स में भी काम आएगी सो so, ये जो फॉर्मूलाज है ये सिर्फ सम्स में ना ही भाई ऑब्जेक्टिव्स में भी आपको बहुत हेल्प करने वाला है आई होप इट्स क्लियर इसके लिए मैंने अदर था चलिए स्टेटमेंट एन असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस इज कॉल्ड स्टेटमेंट स्टेटमेंट का ट्रुथ वैल्यू होता है ट्रू या फॉल्स और अपन उसको स्टेटमेंट को पी क्यू आर से डिनोट करते हैं इधर एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है मैथमेटिकल आइडेंटिटीज आर आल्सो ट्रू स्टेटमेंट्स ओके सर द सेंटेंसेस विथ आर नॉट स्टेटमेंट्स ऐसे सेंटेंसेस जो स्टेटमेंट्स नहीं है उनकी ट्रुथ वैल्यू नहीं होती तो अगर कल उठ के आपको इंपेरेटिव सेंटेंस मिले या एक्सक्लेमेटरी या इंटरोगेटिव या ओपन सेंटेंस मिले तो ये सब स्टेटमेंट नहीं है और इनकी ट्रुथ वैल्यू नहीं हो सकती तो ऑब्जेक्टिव में आ सकता है ट्रू और फॉल्स में मेंिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट अरे भाई तू सेंटेंस ही नहीं है क्योंकि तू ओपन है क्लियर चल भाई आगे फटाफट थोड़ा फास्ट करेंगे आपके पास बहुत टाइम भी नहीं है एग्जाम इधर तक आ गई है चलिए आगे लॉजिकल कनेक्टिव अलग अलग टाइप के कंजंक्शन डिसजंक्शन नेगेशन बाय कंडीशनल इंप्लीकेशन चलिए ट्रूथ टेबल फटाफट कर ले कंजंक्शन माने ऐड ट्रूथ टेबल में क्या करते हैं अपन ऐड को मल्टीप्लिकेशन जैसा लेते हैं टी एंड टी मतलब वन इंटू वन वन होता है बाकी सब जीरो टी एंड एफ 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 एंड टी एफ एफ एंड एफ एफ क्लियर और माने डिसजंक्शन इसमें अपन क्या करते हैं प्लस साइन लेते हैं क्लियर तो टी एंड टी मतलब सॉरी टी और टी वन प्लस मैक्सिमम होता है वन मतलब टी टी और एफ टी एफ और टी टी क्लियर राइट right? फिर से टी और टी 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 और एफ टी एफ, और टी, टी, एफ, और एफ जी, जीरो मतलब तो 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 सिर्फ एफ एफ, एफ होता है 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 सब टी, clear. Negation का क्या होगा पक्का. मतलब इंप्लाइज उसको कंडीशनल स्टेटमेंट भी अपन बोलते हैं P implies Q ऐसा लिखते हैं उसके ट्रूथ टेबल में अपन ने कैसा रटा है टी इंप्लाइज एफ एफ होता है बाकी सब T होता है तो ये आपको याद रखना टी इंप्लाइज एफ एफ होता है बाकी सब टी चलिए और वो स्टेटमेंट ये फॉर्म में होता है राइट इफ देन क्लियर कुछ और इंपॉर्टेंट लगे तो आप पीडीएफ से पढ़ लेना यार मैं ब्रीफ कर रहा हूं फटाफट करना है अपन को बाय कंडीशनल और डबल इंप्लीकेशन मतलब दोनों साइडेड एरो इफ एंड ओनली इफ इंग्लिश में आई डबल एफ ट्रुथ टेबल क्या बोलता है अगर दोनों ट्रुथ वैल्यूज इक्वल है तो ही मैं ट्रू हूं टी बाय कंडीशन टी टी

एंड बनता और और बनता एंड टी बनता सी और सी बनता टी मतलब टॉटोलॉजी कॉन्ट्रडिक्शन कॉन्ट्रडिक्शन टॉटोलॉजी आई होप फास्ट जा रहे हैं लेकिन रिवाइज कर रहे हैं यार अपन रिवाइज करेंगे रिकॉल करेंगे तभी तो मजा आएगा नेगेशन वेरी 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 इंपॉर्टेंट सबसे पहले नेगेशन ऑफ कंजंक्शन और नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन ये दोनों अपन डी मॉर्गनज लॉ जैसा बोल सकते हैं भाई इसमें होता क्या अपन वो नेगेटिव साइन से ओपन करते हैं बहुत बढ़िया सर चलिए देखते हैं तो कैसे कर रहे हैं नेगेटिव साइन दोनों को मिलेगी और, और जो एंड है वो और बन जाएगा बहुत बढ़िया दिख रहा क्या नेगेशन पी और नेगेशन क्यू सेम नेगेशन दोनों को मिलेगा और इधर और बन जाएगा एंड तो नेगेशन पी एंड निगेशन so, negation negation, negation negation P. सो निगेशन ऑफ कंजंक्शन सुपर इजी सर उसके वेरी आपको सबसे पहले यह पता होना बहुत जरूरी है और अपन ने ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी किया ईयर पेपर में पी implies क्यू इज इक्वल टू नेगेशन पी और क्यू तो इसका नेगेशन क्या होगा मतलब क्यू क्या होगा पी एंड क्यू ये भी अपने ऑब्जेक्टिव में देखा नेक्स्ट ये रटना है भाई नेगेशन ऑफ बाय कंडीशनल उसके पहले आप बाय कंडीशनल का इक्विवेलेंट फॉर्म कर लो ये ऑब्जेक्टिव में काम आ सकता है पी बाय कंडीशन क्यू इज इक्विवेलेंट टू पी इम्प्लाइज क्यू एंड क्यू इम्प्लाइज पी अब इसका करते हैं ऐसे ही देखा है उधर अपन ने ऐसे ही रटा है इसको क्या 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 पी एंड नेगेशन क्यू और क्यू एंड नेगेशन पी ध्यान से मिस्टेक नहीं होना चाहिए प्लीज आप चाहिए तो एक बार रिटर्न प्रैक्टिस कर लो यार उससे अपना प्रो लेवल हो जाता है मैथ्स के फॉर्मुला चल भाई आगे नेगेशन ऑफ क्वांटिफाइड स्टेटमेंट जो अपन बात कर रहे थे नेगेशन ऑफ क्वांटिफाइड स्टेटमेंट जिसमें क्वांटिफायर यूज होंगे तो क्या बोला स्टेटमेंट जिसमें यूनिवर्सल और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर यूज होता है उसका अगर नेगेशन चाहिए तो क्या करने का यूनिवर्सल को रिप्लेस करने का डेर एग्जिस्ट से डेर एग्जिस्ट को रिप्लेस करने का यूनिवर्सल से और बचे हुए का कर देने का नेगेशन दिख रहा है रिप्लेस

ऑल का कर दे सम और बाकी का नेगेशन तो सर दूसरा क्या होगा अगर स्टेटमेंट सम से चालू हो रहा है तो सम को कर दे ऑल और बचे हुए का नेगेशन सो यू नो इट विल नो वो करने का चक्कर में पढ़ने का नहीं ऑल के जगह सम तो सम के जगह ऑल और बचा हुआ नेगेशन चलो वेरी फेवरेट क्वेश्चन एग्जाम में जो तीन मार्क का आ सकता है या ऑब्जेक्टिव आ सकता है यार ऐसा है चलिए पी implies क्यू अगर है तो उसका अपन तीन चीजें क्या क्या निकाल सकते हैं कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापॉजिटिव कॉन्वर्स क्या होता है सम्स में आ सकता है तीन मार्क के लिए या ऑब्जेक्टिव चलिए भाई अब एकदम फाइनल वाला अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सबसे पहले आई इम्पोर्टेंट लॉ ये नाम भी रट लेना भाई एग्जाम में हो सकता है फिलअप में आ गया कि P और P इज इक्वेल इन टू पी इज डैश लॉ क्यों नहीं आ सकता भाई आ सकता तो स्पेलिंग पता होनी चाहिए इट इज आइड इंपोर्टेंट लॉ ये कैसे याद रखा था अपन ने अगेन फ्रॉम माई वीडियो खुद का खुद के साथ और कर खुद का खुद के साथ एंड कर खुद ही मिलेगा ये दिख रहा है P और P P होता है P एंड P P होता है दिस इज आइड इंपोर्टेंट लॉ नेक्स्ट एसोसिएटिव लॉ अपन ने कैसे रटा है अगर साइन सेम है दोनों भी और या दोनों भी एंड तो आप किसी को भी एसोसिएट कर सकते है। दिख हैं दिख है और रहे आप पी और क्यू को कर सकते हैं या तीनों को साथ में कर सकते हैं घर मतलब से, 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 तो सेम है पी और क्यू Q और P सेम होता P एंड Q, Q एंड P सेम होता तो ये तीन उड़ गए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कब यूज होता है वेन द साइंस आर ऑफ अपोजिट साइन तो ब्रैकेट ओपन करने जैसा है ये दिख रहे

एनीथिंग इंटू जीरो मतलब सी आया सेम अगर टी के साथ करना है ध्यान से anything plus T, मतलब anything plus one, one से मतलब बड़ा कुछ नहीं होता तो आंसर क्या आ रहा one, one is T. वैसे ही एनी थिंग इन टू वन इज दैट आइडेंटिटी लॉ प्लीज इसको रटके जाना वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट लॉ खुद का खुद के नेगेशन के साथ और या खुद का खुद के negation के साथ एंड वही है अपन ने इसको कैसे रटा है one plus zero. Anything को इधर वन लिया

भाई तारीफ़ नहीं हो रही है लॉ है कॉम्प्लीमेंट सी ओ एम पी एल ई -E एम ई -E एन टी कॉम्प्लीमेंट लॉ प्लीज रट के जाना यार कुछ भी इसमें से लिंद ब्लैंक्स में आ सकता है चलिए ए ये एक जस्ट ऐसी में थोड़ा टाइम पास कर रहा था थोड़ा क्रिएटिव ऐसा बना रहा था आ... डूडल टाइप तो ये किया है अगर आपको जस्ट एक वेरी क्विक ब्रीफ लेना है कंजंक्शन मतलब ये सिंबल होता है उसको अपन एंड बोलते हैं लिखते कैसे पी एंड क्यू ये उसका नेगेशन है डी मॉर्गन डीमॉर्गन और ये उसका ट्रूथ टेबल ये सबके लिए कंजंक्शन डिसजंक्शन बाय कंडीशन कंडीशन तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो काम आ रहा है तो इट्स गुड चलिए लेट्स गो टू मेट्राइसिस वेरी इंपॉर्टेंट थोड़ा फास्ट करेंगे अभी अपन आई होप वी आर ऑन ट्रैक रो मैट्रिक्स जिसमें एक रो होता है कॉलम मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम होता है जीरो मैट्रिक्स मतलब सब अंदर जीरो होना चाहिए या तो उसका दूसरा नाम नल मैट्रिक्स थोड़ा और फास्ट मैट्रिक्स मतलब जिसके रोज और कॉलम्स इक्वल है नेक्स्ट डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है जिसमें सब डायगोनल एलिमेंट्स में कुछ हो नॉन डायगोनल सब जीरो होने चाहिए पढ़ लेते एक बार अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट इज जीरो तो डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए स्क्वायर होना बहुत जरूरी है डायगोनल होने के लिए स्क्वायर होना बहुत जरूरी है नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स इज नेवर डायगोनल ओके और डायगोनल मैट्रिक्स में मतलब क्या डायगोनल पे कुछ होना चाहिए बाकी सब जीरो डायगोनल डायगोनल कौन होता है ऐसा ऐसा चलो आगे स्केलर स्केलर मैट्रिक्स 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 मतलब मतलब ऐसे नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो लेकिन सब डायगोनल पे सेम होने चाहिए ऑब्जेक्टिव में किया था नेक्स्ट यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या ऐसा स्केलर मैट्रिक्स जिसमें सब डायगोनल एलिमेंट्स वन हो बहुत बढ़िया चल सही है अब मैंने बीच में स्क्रीन भी लगाए हैं ऐसे ऐसे आप पढ़ेंगे उसको रट के जाएंगे अच्छा टेक्स्ट बुक में तो और है ये जितना मेरे को लगा अपन ने किया चल पढ़ लेते एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ स्केलर मैट्रिक्स ओ यस बट एवरी स्केलर मैट्रिक्स नीड नॉट बी आइडेंटिटी ये ऑब्जेक्टिव में अभी अपन ने किया था पास्ट ईयर पेपर या मैंने जो निकाले थे उसमें था तो ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है ऐसा किधर से भी ऑब्जेक्टिव आएगा तो ये जो आज फॉर्मुला वाला वन शॉट अपन ले रहे हैं इसमें सिर्फ फॉर्मला बहट

हाँ लास्ट वाला पॉइंट डायगोनल स्केलर यूनिट एंड स्क्वायर नल मेट्राइस आर आल्सो ट्रेंगुलर क्योंकि उनके डायगोनल के ऊपर या नीचे सब जीरो होता है नेक्स्ट डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स कैन ओनली बी फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ओके ठीक है सिंगुलर मैट्रिक्स वेरी इंपॉर्टेंट ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट जीरो है तुम हो सिंगुलर और अगर तुम्हारा डिटर्मेंट निकालना नॉट इक्वल टू जीरो तो नॉन सिंगुलर और तभी अपन इनवर्स इनवर्स भी निकालते थे चल भाई सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है जिसके डायगोनल के ऊपर जो है करस्पॉन्डिंगली नीचे भी वो सेम हो बहुत बढ़िया वही स्क्यू सिमेट्रिक में दो पॉइंट्स क्या इंपॉर्टेंट ऑल डायगोनल एलिमेंट शुड बी जीरो और डायगोनल के जो ऊपर है उसका ऑपोजिट साइन

मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रेस अगेन जो इम्पॉर्ट है वही अपन ये कर रहे हैं ये सिर्फ करना सब कम्यूटेटिव लॉज ये जो भी है भाई ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव ये सब ये ए, 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 ये सब करके जाना यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे याद है आपको लास्ट टाइम एक ऑब्जेक्टिव में ये काम आ गया था ट्रू और फॉल्स में अपन ने एक ट्रू और फॉल्स लिया था क्योंकि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए इसके लिए ए ए प्लस बी द होल स्क्वायर कैन नॉट बी रिटन एज ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर बिकॉज अगर ए बी और बी ए इक्वल है तभी टू ए बी कर सकते हो नहीं तो नहीं कर सकते तो ये पूरा पेज आप एक बार क्विकली पीडीएफ से पढ़ लेना यार चल ठीक है अब एक बार एडजॉइंट मेथड के स्टेप्स भी कर लेते हैं भाई इसी फॉर्मुलाज नहीं है सब मजा मजा आएगा सब रिवीजन हो जाएंगे स्टेप्स भी लिए मैंने चलिए तो अगर आप एडजॉइंट मेथड से इनवर्स निकाल रहे हैं तो सबसे पहले डिटरमिनेंट निकालने का उससे इनवर्स एग्जिस्ट फिर माइनस निकालेंगे को फैक्टर्स निकालेंगे को फैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे फिर को फैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके

अपन साथ में बाय हट हाँ कर रहे मेरे को आता ये नहीं बता रहा मैं लेट लेट्स बाय हट टुगेदर आई एम सॉरी चलिए नेक्स्ट बाजू में आ जाते डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट होता जीरो डिफरेंशिएशन ऑफ ई रेस टू एक्स कभी नहीं भूलेंगे ई टू एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ ए टू एक्स ए रेस्टू एक्स इन टू लॉग ए डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स वन अपॉन एक्स वेयर बेसिस यूजुअली यूजअली और ये एक एक्स्ट्रा आप याद रखेंगे चल भाई आगे रूल्स अगर फंक्शन ऑफ एक्स प्लस माइनस फंक्शन ऑफ एक्स है तो डिफरेंशिएशन बांट देने का अपने भाषा में ओके okay सर डिफरेंशिएशन ऑफ यू इंटू वी मतलब यू इंटू वी रूल एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स है तो अपन ने कैसे रहता है पहला इंटू डिफरेंसिएशन ऑफ दूसरा प्लस दूसरा इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ पहला खत्म

लॉगरिथमिक बेस अपन क्वेश्चंस करते हैं ना टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड जोड़ी मार के आ गया रहा वो वाले क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट लॉग ऑफ़ म इनटू एन लॉग म प्लस लॉग एन लॉग ऑफ़ म अपॉन एन लॉग म माइनस लॉग एन नेक्स्ट अगर सर पे कुछ भी है तो वो उड़ी मार के आ गया था वेन वी टेक लॉग वेरी इंपॉर्टेंट बहुत बार यूज करते हैं अपन ये भी इंपॉर्टेंट लॉग ऑफ कुछ तो विद द सेम कुछ तो एज द बेस मतलब लॉग आप जिसका निकाल रहे हो वही अगर बेस में है तो आंसर कितना था वन चल लॉग ई इज ऑलवेज वन लॉग ऑफ वन विद एनी बेस इज जीरो नेक्स्ट ये भी एक इंपॉर्टेंट लॉग एम और बेस में एन है तो आप उसको कैसे लिख सकते हो लॉग एम अपॉन लॉग एन और ये एक अगेन इंपॉर्टेंट ए टू लॉग ऑफ कुछ तो अगेन विद द बेस सेम है कुछ तो में तो ये ये दिख रहा है ये और ये सेम है इधर क्या हो रहा है ए टू लॉग ऑफ समथिंग विद बेस ए मतलब पॉइंट क्या है देखो ये दोनों बेस सेम होना चाहिए इधर जो है और इधर जो है अगर वो दोनों सेम है तो आंसर एक साथ ये इतना बहुत रेयरली यूज होता है बट एनीवेज़ ये लॉग करना है ये और ये इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता बट पढ़ लेंगे तो अच्छा है चलिए डिफ्रेंसीशन भी ख़त्म हो रहा है आई होप

टू परपेंडिकुलर लाइन अगर दो लाइन पर नॉर्मल स्लोप ऑफ टेंजेंट इन टू स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू माइनस वन क्योंकि वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर है अगर दो लाइन्स पैरल है तो दोनों का स्लोप होता इक्वल ये तो अपन ने कर लिया और ये एक और पॉइंट जो किधर किधर काम आ जाता है एक बार पढ़ लेते इफ अर्फ

और वो डिक्रीजिंग कब होगा जब उसका फर्स्ट डेरिवेटिव इज लेस देन जीरो चल आगे मैं ये सब जो मार्क कर रहा हूँ ना वो निकाल दूंगा टेंशन मत लेना आपके पीडीएफ में एकदम ब्लैंक होगा मैक्सिमा मिनिमा के स्टेप्स रिवाइज करते हैं स्टेप नंबर वन एफ डैश एक्स निकालने का मतलब एक बार डेरिवेटिव करने का स्टेप नंबर टू इक्वेट टू जीरो करने का एफ डैश कर x की वैल्यूज निकाल फिर f निकालेंगे दो बार डेरिवेटिव कर लेंगे f को आपने f किया ये f को ही एक और बार डिफरेंशिएट किया तो f मिल गया

और फाइनली अगर आपको बोलता है फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू तो एक्स डालने का तो यू गेट द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चलिए बढ़िया लेट्स गो टू एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स डेरिवेटिव्स के फील्ड में टी फॉर डिमांड पी फॉर प्राइस सी फॉर टोटल कॉस्ट आर फॉर टोटल रेवेन्यू पाए माने प्रॉफिट चलिए मार्जिनल वर्ड दिखा अपन ने क्या बोला जब भी मार्जिनल दिखा तो क्या करने का सर डिफरेंशिएट करने का तो रटने की आवश्यकता नहीं टोटल रेवेन्यू इज व्हाट टोटल रेवेन्यू आर इज इक्वल टू प्राइस इन टू डिमांड वैसे ही भाई मार्जिनल रेवेन्यू मांगा मतलब डिफरेंशिएट एवरेज कॉस्ट कॉस्ट कैसे निकालते हैं टोटल अपॉन जितना खर्चा हुआ तो पाई इज इक्वल टू आर माइनस सी टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू कैसे निकालेंगे टोटल रेवेन्यू अपॉन टोटल रेवेन्यू किस पे डिपेंड कर रहा कितना डिमांड है टोटल रेवेन्यू आर अपॉन डी आर क्या होता

क्लियर और एक और चीज इधर क्या पता है अपन को ए एवरेज रेवेन्यू तू तो प्राइस होता है इधर ही तो निकाले अपन इधर इधर वो इधर इधर पुट कर सकते हाँ फाइनली लेट्स टू दिस फाइनली फाइनली वेरी इंपॉर्टेंट दिस फॉर्मूला इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ईटा इज इक्वल टू माइनस पी बाई डी इंटू डी डी बाई डी पी फिर से ईटा इज इक्वल टू माइनस पी बाई डी इंटू डी डी बाई डी पी एक लास्ट बार बोल दो ना ईटा इज इक्वल टू माइनस पी बाई डी अपॉन डी डी बाई डी टी पी डी डी बाई डी पी

चार मार्क का क्वेश्चन एम पी सी इज वॉट डीईसी बाई डी आई मतलब एक्सपेंडिचर को कंजम्पन एक्सपेंडिचर को डिफ्रेंशिएट कर रिस्पेक्ट टू इनकम कभी कभी इनकम आई बोलेगा कभी कभी इनकम एक्स भी बोल सकता तो डीईसी बाई डी एक्स

इंटीग्रेशन भाषा में ये दिख रहा है एक्स का पावर वन होगा तभी ये फॉर्मुला यूज होता एक्स प्लस बी रेस टू एन क्या होता है ए एक्स प्लस बी रेस टू एन 1 वन अपॉन एन प्लस वन जो एक्स के आगे है a नेक्स्ट

e like तो के के माने रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन सेम लाइक डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई किया बाहर निकाल सकते अगर बीच में प्लस या माइनस साइन है तो इंटीग्रेशन अपन दोनों को बांट सकते नेक्स्ट ये जगह बार फटाफट रट लेगा ए प्लस बी होल स्क्वायर स्क्स टू ए ब्लस बी ए माइनस बी द होल स्क्वायर क्या होता ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क् ए प्लस बी दल क्यूब क्या होता ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्स थ्री ए बी स्क्स बी क्यूब एंड ए माइनस बी का होल क्यूब क्या है ए क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब ये बाइट कर लेना सब चल नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपन एफ ऑफ एक्स डी एक्स क्या होता लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी इसको कैसे रटा है इंटीग्रेशन अगर अपन कर रहे डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में है

थ्री में ये टाइप के क्वेश्चन देखे थे इंटीग्रेशन ऑफ ए रेस टू एक्स प्लस बी अपॉन सी ई रेस टू एक्स प्लस डी इसमें सबसे मेन स्टेप क्या है न्यूमरेटर इज इक्वल टू ए इंटू डिनोमिनेटर प्लस बी इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर चलिए हाँ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 5.4 में से वेरी हाई चांसेस की आएंगे तो क्या बोल रहा इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू वन टू अपॉइंट लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी वो इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भी आएगा वन अपॉइंट टू है दोनों रूट वाले इंटीग्रेशन ऑफ वन अपन ऑफ एक्सक्स ए स्क्र टू लॉग ऑफ मोड एक्स प्लस ए स्क्र वही अगर होगा इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन ऑफ एक्सक्स ए स्क्वायर लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ ये हमेशा प्लस ही होगा ये याद रखना ये चारों लिख के फटाक से प्रैक्टिस कर लो अभी वीडियो पॉज करके नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ यू वी यू वी रूल ऑफ इंटीग्रेशन या इंटीग्रेशन ऑफ यू इंटू वी अपन ने कैसे रटा है U in... ए, सबसे पहले भाई U यू वी सिलेक्ट कैसे करने का तो ये प्रेफरेंस है L A E सबसे मेन प्रेफरेंस लॉगरिथमिक को नेक्स्ट प्रेफरेंस अलजियब राइक लास्ट प्रेफरेंस एक्सपोनेंशियल को तो जो इन सबसे पहला है उसको U बोल देते नेक्स्ट वाला V हो जाता चलिए अब u, V रूल ऑफ इंटीग्रेशन करेंगे कैसे रटा है? U, v, dx, minus, बड़ा ब्रैकेट डिफरेंशिएशन ऑफ U इंटीग्रेशन ऑफ V ब्रैकेट क्लोज dx एक बार फिर से इंटीग्रेशन ऑफ U, इंटू वी क्या होता है u इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस बड़ा इंटीग्रेशन

5.6 में दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसमें मतलब फंक्शन कैसे होगा या तो वो प्रॉपर रैशनल फंक्शन होगा या इम प्रॉपर रैशनल फंक्शन होगा रैशनल फंक्शन मतलब क्या फंक्शन ऑफ एक्स अपॉन फंक्शन ऑफ एक्स अपॉन पॉल्योम इट कैन बी एनीथिंग एनीवेज व्हाट इज अ प्रॉपर रैशनल फंक्शन जिसमें ये जो एफ ऑफ एक्स माने न्यूमरेटर न्यूमरेटर की डिग्री अगर लेस है डिनोमिनेटर की डिग्री से तो तू है प्रॉपर रैशनल फंक्शन वो केस में ये टेबल रटा अपन ने वो अगर की डिग्री माने की डिग्री ग्रेटर है या इक्वल है डिनोमिनेटर डिग्री से तो अपन करते हैं ऐसा डिवीजन करते हैं और फिर क्या लिखते हैं तो सबसे मेन ये अगर प्रॉपर रैशनल फंक्शन है तो ये टेबल रटा अपन ने ये सब फॉर्म्स आपको रटना है करो, रटो, एक बार लिख के निकाल लो चलिए सब तो प्रॉपर्टीज का गेम है रे. डेफिनेट इंटीग्रेशन इज ऑल अबाउट प्रॉपर्टीज चल अगर लिमिट सेम है तो इंटीग्रेशन उसका जीरो होता ये दिख रहा है ए से बी अगर हो गया बी से ए तो बाहर माइनस साइन आती ये भी इंपॉर्टेंट आया ऑब्जेक्टिव में ये भी किया था याद है अगर पूरा फंक्शन एक्स के जगह अपन ने टी में कर दिया तो तुम होते इक्वल एक और चीज अगर ये है ए से बी अगर देख अगर एक्चुअली मेन लिमिट क्या है ए से लेके बी और कोई एक नंबर है सी जो ए और बी के बीच में आता है तो आप उसको कैसे तोड़ सकते हो ए से लेके सी वाली लिमिट और सी से लेके बी वाली लिमिट वही किया ए से सी सी और C से बी लेकिन सी ए और बी के बीच में होना चाहिए नेक्स्ट ये अपन ने यूज किया है सम्स इंटीग्रेशन ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स कैंड इंटीग्रेशन ए से बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स ये वही बेस्ड है अगर लोअर लिमिट जीरो हो जाती है तो ए प्लस जीरो माइनस एक्स इज ए माइनस एक्स वही सही ये आप सिर्फ एक बार पढ़ लेंगे जीरो से लेके टू ए तो उसको कैसे लिखा जीरो से ए और जीरो से ए एक बार एक्स और एक बार टू ए माइनस एक्स ये बहुत रेयरली आएगी काम आपको चाहिए तो आप रट सकते हो नेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट अगर एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स तो ये इवन फंक्शन होता है अगर एफ ऑफ माइनस एक्स इज माइनस एफ ऑफ एक्स फंक्शन होता है और डिपेंडिंग अपॉन इवन इवन एंड ऑड फंक्शन अगर लिमिट जो भी है नेगेटिव से वो सेम पे पॉजिटिव है अगर ऑड फंक्शन है तो तेरा आंसर आएगा जीरो अगर इवन फंक्शन है तो यू कैन डू टू टाइम्स और लिमिट माइनस ए से ए जो है ये ऐसा है देखो माइनस ए से ए है ना तो नंबर लाइन इमेजिन करो माइनस ए से जीरो जीरो सेम डिस्टेंस है ना तो इट कैन बी डन टू टाइम्स इफ इट्स जीरो से दो फॉर्मुला एरिया अगर एक्स एक्सिस पे है तो ये दिख रहा है, x है तो एरिया क्या हुआ y dx और x की limit, और अगर y एक्सिस तो आप लोग के लिए रखा है ये के चार टाइप्स होते हैं

भाई बोले वह एक्सिस पर फटा हुआ रहेगा पैराबोला क्योंकि डायग्राम बनाना इंपॉर्टेंट है भाई किसी ने तो पूछा था क्या ये डायग्राम बनाएंगे येस एरिया वाले इसमें डायग्राम बनाना है इफ इट इज पैराबोला एलिप्स एंड सर्कल ओके डिफरेंशियल इक्वेशन लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट सबसे पहले ऑर्डर एंड डिग्री इट इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वेरी इजी तो जैसे इसमें दिख रहा है सबसे मैक्सिमम डेरिवेटिव क्या डी वाइबीएक्स इधर सबसे मैक्सिमम क्या डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स तो उधर की ऑर्डर वन थी और इधर की ऑर्डर टू वही नेक्स्ट क्या बोल रहा है पावर ऑफ द हाइएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज कॉल्ड द डिग्री जैसे इनमें सबसे मैक्सिमम हाइएस्ट ऑर्डर क्या है सर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर तो उसका जो डिग्री है जो पावर है वो होगी अपनी डिग्री Either, सबसे हाईएस्ट ऑर्डर कौन है ऐसा है क्या सेवन अरे नहीं सर सबसे पहले हाईएस्ट ऑर्डर पकड़ो Dx3, तो ऑर्डर हुआ इसकी पावर मतलब कितनी है इसकी पावर तो वन तो डिग्री कितनी हुई या ऐसा सेवन मत लिख देना गाय गाय में आई नो नो यू वी आर जस्ट रिवाइजिंग सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ये भी ऑब्जेक्टिव में आता है एक बार पढ़ लेते हैं दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं जनरल या पर्टिकुलर इन दिस सॉल्यूशन द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट्स इज इक्वल टू द

एक्स हमेशा ऊपर नीचे से कैंसिल होगा उसके बाद में टी को आर एच एस जाओ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे फिर वेरिएबल सेपरेट करेंगे तो चलिए अपना फेवरेट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ टू टाइप डीवाई बाई डी एक्स प्लस पीवाईजल टू क्यू और डीएक्स बाई डीवाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू कंपेयर करके पी और क्यू निकालने का ये स्टेप्स सबसे पहले ये फॉर्म में लिख दो अगर अपन फर्स्ट फॉर्म की बात कर रहे हैं सबसे पहले ये फॉर्म में लिख दो फिर पी और क्यू कंपेयर करके पी क्यू की वैल्यू निकाल दो फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई रेस्ट टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स क्योंकि अपन भाई के भाषा में कर रहे हैं और फिर फाइनली ये रट 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 सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और डीएक्स होगा प्लस सी सेम अगर एक्स के भाषा में है तो उसको पहले ऐसे लिख दे डी एक्स बाई डी प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू पी और क्यू कंपेयर कर इंटीग्रेटिंग फैक्टर सोल्यूशन क्या होगा एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू आई एफ डी वाई प्लस सी बहुत बढ़िया फाइनली वेरी इंपॉर्टेंट तीन से चार मार्क के लिए वेरी हाई चांसेस ये आ सकता है

पॉपुलेशन एट दैट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स फिर अपने प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट ले लिया इक्वल टू साइन लेने के लिए के टी फिर वेरिएबल सेपरेट किया ये टी डी टी के साथ गया ओ इधर मैंने एक चीज मिस कर दिया हैस हाँ, अब ठीक है dx by dt is equal to kx k is the proportionality constant अब ये x नीचे लेके गए तो k dt हो जाएगा अपन ने इनको कर लिया इंटीग्रेट तो क्या आ गया log x is equal to k plus c और फाइनली अपन ने बोला अगर करना है तो जरूरत नहीं है ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आ, आ, सकता है यार बेस e है तो अपन ने ऐसा पढ़ा था लॉग ऑफ ए टू द बेस बी इज एम तो a क्या होगा एक्सपोनशियल फॉर्म में बी रेस टू एम तो इधर e बेस है तो x बच गया जैसे ये a बच गया और फिर इधर b ने m को धक्का मारा तो सर पे गया तो इधर क्या हुआ e ने इन सबको धक्का मारा तो सर पे गया तो ये आप रख सकते हो चलिए और फाइनली अगर डिस इंटीग्रेशन हो रहा है या डीके हो रहा है तो अपन स्टार्ट कैसे करते बाई के एकस, जो इधर इधर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अपन ने के लिया था वो नेगेटिव हो जाएगा बिकॉज देर इज डिस इंटीग्रेशन डीके और डेप्रिसिएशन कम हो रहा है तो ये नेगेटिव साइन आनी बहुत जरूरी है चलिए इधर अपना वन शॉट मैथ्स वन के फॉर्मूला सब खत्म होते आई होप आपको फायदा हुआ है जो फॉर्मूलाज इनकेस अगर मैंने मिस आउट कर दिए आप आपके साइड से ऐड किए होंगे ऑल द बेस्ट भाई फाटना है नेक्स्ट भाई आने वाले बोर्ड एग्जाम में विजय बावा। चैन